हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी। फ्रेंड्स, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फ्रेंड्स पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक तरीके की फाइनेंशियल कमेटी है जिसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात करूंगा, इसके बाद एक मेरी वीडियो आएगी जिसमें मैं एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में। तो इसके मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स तैयार कर रखे हैं फ्रेंड्स, ये शॉर्ट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। पहले तो क्या करता था, पहले ही शॉर्ट पॉइंट्स मैं अपने ब्लॉग पर लिखता था फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता था, बट वो तरीका थोड़ा सा ज्यादा मेरे को सही नहीं लग रहा था, रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा था, वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपने तरीकों को थोड़ा सा चेंज किया। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो कमेटी थी ये बनी थी 1921 में। कौन सी? पब्लिक अकाउंट कमेटी। किसके प्रोविजंस के अंदर बनी थी? ये बनी थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस के अंदर बनी थी, तब से ये अब इस एग्जिस्टेंस में है। अभी इसमें 22 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर लोकसभा के हैं और 7 मेंबर राज्यसभा के हैं। अब देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी में होता क्या है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो एवरी ईयर चुने जाते हैं फ्रॉम अमंगस द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता चुका हूं, और उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि बाई electing the members of the public account committee through proportional representation by means of single transferable vote, होता ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबरशिप मिल जाती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे? कि जिस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में हैं, और मतलब वो उनकी स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में, उस हिसाब से उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी में जगह मिल जाती है। ठीक है, जो मेंबर होते हैं इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का, उनका जो नॉर्मल टेन्योर होता है वो 1 साल का होता है। हालांकि उनके टेन्योर को आगे बढ़ा लिया जाता है ताकि पब्लिक अकाउंट कमेटी ठीक से काम कर पाए। एक मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है, और जो चेयरमैन होता है इस कमेटी का उसको अपॉइंट करता है स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। यानी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो उस पब्लिक अकाउंट कमेटी के सारे मेंबरों में से ही एक होगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा? स्पीकर अपॉइंट करेगा। अब 1966-67 तक क्या होता था कि भाई रूलिंग पार्टी का मेंबर ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर होता था, लेकिन 1967-66 से एक ऐसा कन्वेंशन डेवलप हुआ जिसमें यह बोला गया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो भी चेयरमैन होगा इट ही विल इनवेरिएबली फ्रॉम द अपोजिशन। एस्टिमेट्स कमेटी का रूलिंग पार्टी से होगा और पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो अपोजिशन से होगा। ये कन्वेंशन डेवलप हुआ है, कब से डेवलप हुआ? 1966-67 से। अब इसका काम क्या है? जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसका काम है कि ये जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स पेश करता है पार्लियामेंट में, उसको ये मतलब उसको ये एनालाइज करता है, इसको ये मतलब देखता है कि ये सही है कि गलत है। अब क्या कौन कौन सी? कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल 3 रिपोर्ट सबमिट करता है। एक रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, एक होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, और एक होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये कैग प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने पुट करता है और इसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट देता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। किस मैटर में? लीगल मैटर में, फॉर्मल मैटर में, ताकि टेक्निकल इरेगुलरिटीज तो पता चले ही चले, लेकिन टेक्निकल इरेगुलरिटीज मतलब कि टेक्निकल इरेगुलरिटीज क्या होती है कि जो पैसा जिस चीज के लिए अलॉट किया गया है उसमें खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो हो गई जो पैसा जिस चीज के अलॉट किया गया है वो उस चीज में खर्च हुआ है कि नहीं, ये तो हो गई इसकी टेक्निकल इरेगुलरिटी। लेकिन इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम केवल ये नहीं है कि जिस चीज के अलॉट हुआ है उसमें खर्च हुआ कि नहीं हुआ, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम ये भी है कि वो ये देखे कि क्या विजडम हुई है, क्या उसको बचा के पैसे खर्च किया गया, क्या प्रूडेंस रखा गया है, क्या तरीके से चीजों को किया गया है, क्या वेस्ट हुआ है, क्या करप्शन हुआ है, क्या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, एक्स्ट्रा वेगेंस खर्चा हुआ, क्या खर्चा करते वक्त इनएफिशिएंसी लाई गई है, क्या गलत एक्सपेंसेस किए गए, इन चीजों को भी पब्लिक अकाउंट कमेटी देखती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी केवल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही खर्चे का ऑडिट नहीं करती है, वो और चीजें भी देखती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ वाइडर पर्सपेक्टिव, मतलब कि खर्चे को तरीके से किया गया है, एफिशिएंसी से किया गया है, इस चीज पे भी पब्लिक अकाउंट कमेटी अपने व्यूज देती है, चीजों को एनालाइज करती है। अब हम ये देखेंगे कि इस पब्लिक अकाउंट कमेटीज के और कौन कौन से फंक्शंस हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को और फाइनेंस अकाउंट्स को यूनियन गवर्नमेंट के एग्जामिन करती है, ठीक है, और भी जो सारे अकाउंट जो लोकसभा के पहले रखे जाते हैं। अब देखिए जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होते हैं ना, ये आपको पता होगा कि एक अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, और अप्रोप्रिएशन एक्ट के पास होने के बाद ही जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकता है। तो ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पैसा से निकाल के जो एक्सपेंडिचर होता है इसका ऑडिट कौन करेगा? ऑडिट तो देखो कैग करता है, कैग रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, और ये खर्चा सही से हुआ या नहीं हुआ इस पे कमेंट कौन करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये वाला पैसा खत्म होगा, और फाइनेंस अकाउंट के ऊपर जो अपने व्यूज दे रही है ये कमेटी, उसमें कौन सा पैसा खत्म होगा कि जो टैक्सेस आए यूनियन गवर्नमेंट के बाद और उन टैक्सेस में से कितने खर्च हुए, इस पे
बात होगी। तो फाइनेंस अकाउंट्स पे जो कमिटी अपना ऑडिट करती है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, वो कौन से होते हैं? जो टैक्स रिसिप्ट है गवर्नमेंट के और जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, और दूसरा जो ऑडिट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जो ये कमिटी पब्लिक अकाउंट कमिटी उसको देखती है, वो किससे डील करते हैं? वो उस पैसे से डील करते हैं जो पार्लियामेंट ने सैंक्शन किया है एग्जीक्यूटिव को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए। जब भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स जो कैग की होती है, जब इस पर कमिटी अपनी बहस होती है, तो कमिटी तीन चीजों को देखती है। पहली चीज तो ये देखती है कि जो पैसा खत्म हुआ है, क्या वो उस पैसा उस खत्म होने के लिए लीगली अवेलेबल था। दूसरा, जिसने पैसा खत्म किया, क्या उसके पास ये अथॉरिटी थी पैसा खत्म करने की। तीसरा, कि हर बार जो पैसा निकाला गया है कहीं से भी, चाहे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला गया हो, कहीं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाला गया है, क्या उसका निकालना सही था। ये सब चीजों पे बहस होगी। उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी स्टेट कॉरपोरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, इनके भी अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, ठीक है, और कैग द्वारा दिए जा रहे जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन सब पे पब्लिक अकाउंट कमिटी एग्जामिन करेगा, केवल उन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को छोड़ के जो कमिटी और पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी को अलॉट किए गए हैं। यानी कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनको जो जो प्रोजेक्ट्स अलॉट किए हैं इनको छोड़ के बाकी कैग की ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमिटी एग्जामिन करेगा। उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑटोनॉमस बॉडी और सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, जिनका ऑडिट कैग करता है उनकी रिपोर्ट्स को भी एग्जामिन करता है, उनके अकाउंट्स को भी एग्जामिन करता है। उसके बाद एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी पैसा खत्म हुआ है किसी भी सर्विस पे, जितना उसको अलॉट किया है उससे ज्यादा, यानी कि लोकसभा हर हेड को थोड़ा पैसा अलॉट करता है, जितना पैसा अलॉट किया है अगर उससे ज्यादा पैसा उस हेड में खर्च हो जाता है तो इसको भी पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करेगा। अब ये सब करने में टेक्निकल एक्सपर्टीज लगते हैं, और आपको पता है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने टेक्निकली प्रोफिशिएंट हो, इतने फाइनेंशियल प्रोफिशिएंट हो, तो इस काम में पब्लिक अकाउंट कमेटी को असिस्ट करने के लिए कैग एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु एक्ट एज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी, सो इट इज कैग। आगे आते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसका जो रोल है, इसमें क्या क्या फ्लॉज है, इसमें कमी कहाँ आती है। तो पहली कमी तो ये आती है यार कि जो पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है ये खर्चे के हो जाने के बाद एग्जामिन करती है, यानी एक तरीके का पोस्टमार्टम करती है, यानी कि पैसा खत्म हो गया और खत्म होने के बाद आप एग्जामिन कर लो। अब यार आपका इफेक्टिवनेस तो तब आएगी ना कि जब पैसा खत्म होने से पहले आप उसमें कुछ बोल पाओ, जब वो खत्म हो गया उसके बाद आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है पैसे के एक्सपेंडिचर होने के बाद उसको एग्जामिन करती है, तो इसलिए इसका इफेक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा, पब्लिक अकाउंट कमेटी कैन नॉट यू नो एग्जामिन द पॉलिसी क्वेश्चन, यानी कि अभी क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव ने पॉलिसी बनाई, लेजिस्लेटर ने पॉलिसी बनाई, और उस पॉलिसी के हिसाब से पैसा अलॉट हुआ, पैसा खत्म हो गया, ठीक है, तो पैसा कितना खत्म हुआ इस पे पब्लिक अकाउंट कमेटी देख सकती है, पैसा कैसे खत्म हुआ ये देख सकती है, क्या पैसे में करप्शन हुआ ये देख सकती है, क्या इनएफिशियंसी थी ये देख सकती है। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी पॉलिसी पे क्वेश्चन नहीं कर सकती, जो पॉलिसी बनी हुई है उस पर पब्लिक अकाउंट कमेटी क्वेश्चन नहीं हो सकती, केवल पैसे के खर्च पर कर सकती है। तो इस तरीके कह सकते हैं कि आप पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस है, थोड़ा कम है। उसके बाद डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में पब्लिक अकाउंट, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में पब्लिक अकाउंट कमेटी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। उसके बाद जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के रिकमेंडेशंस होते हैं ये केवल एडवाइजरी होते हैं, ये मिनिस्ट्रीज पे बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये एक और प्रॉब्लम है। उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास ये पावर नहीं है कि वो खर्चा करने से मना कर दे किसी मिनिस्ट्री को। मिनिस्ट्री के पास अगर पैसा है और मिनिस्ट्री को सैंक्शन दे चुका है लोकसभा की आप या पार्लियामेंट की आप पैसा खत्म कर सकते हैं, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास ये पावर नहीं है कि वो उस खर्चे को रोक सके। पब्लिक अकाउंट कमेटी बस खर्चे को खर्चा होने के बाद एग्जामिन कर सकता है, इतनी ही पावर है उसके पास। उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, इसलिए ये कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकती है। अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कोई राय दी है, कोई रिपोर्ट दी है, अपना कोई व्यू पॉइंट दिया है, तो वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के व्यू पॉइंट को मानना है या नहीं मानना है या इग्नोर कर सकता। तो इट इज नॉट बाइंडिंग इन एनी सेंस, तो इससे इसकी इफेक्टिविटी थोड़ी रुक जाती है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। आई होप आपको ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो मैंने बताया पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। हैव अ नाइस डे।